कारिणी के मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनकर दिव्या परी एकदम से हैरान रह गई और उसने कहा, तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? तुम जिस पर उन अजनबी मनुष्य से मिले होने का इल्जाम लगा रही हो, वो मेरी बेटी है। कमुत कारिणी ने कहा, तुम्हारी बेटी है इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूं। मैं पागल नहीं हूं दिव्या परी, मैंने खुद अपनी शक्तियों से अनुभव किया है। तुम्हारी बेटी सौम्य परी की गंध मैंने अपने भेड़िए से भी अधिक शक्तिशाली नाक से महसूस की है। यदि मेरे पर भरोसा ना हो तो अपनी बेटी को यहीं पर बुलवाकर पूछ लो। कमुत कारिणी के कहने पर दिव्या परी ने अपनी बेटी को बुलाया। कुछ देर में वहां पर सौम्य परी हाजिर हो गई। उसे देखकर दिव्या परी ने उससे पूछा, तुम हमारी बेटी हो लेकिन इस परीलोक की रानी होने के नाते तुम मेरी प्रजा भी हो। यदि तुमने भी परीलोक के किसी नियम का उल्लंघन किया है तो उसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। यह सुनकर सौम्य परी थोड़ी सी घबराई। दिव्या परी ने कहा, सच सच बताओ, परीलोक के सख्त नियम होने के बावजूद क्या तुम पिछले कुछ घंटों में किसी मनुष्यों के सामने अपने आप को प्रकट किया था? सौम्य परी यह सुनकर घबरा गई और हड़बड़ाते हुए कहा, जी मैं वो मैं अपनी बेटी को यूं हड़बड़ाते हुए देखकर दिव्या परी को क्रोध आ गया और उसने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका साफ साफ जवाब दो। तुम्हारा हड़बड़ाना तुम्हारे अपराध बोध को जाहिर कर रहा है। अपने मां के डांटने पर सौम्य परी कांप उठी और उसने अपनी मां से सब कुछ सच सच बता दिया। पूरी कहानी बताने के बाद उसने कहा, मां मैं तो बस वहां पर उनकी जान बचाने गई थी। किसी की जान बचाना तो अच्छी बात होती है ना मां, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने ही तो सिखाया है। यह सुनकर दिव्या परी तिलमिला उठी और अपने आसन से उठकर सौम्य परी के पास कदम बढ़ाते हुए गई। वो कहने लगी, दूसरों की जान बचाने के लिए तुम्हें नियुक्त नहीं किया गया और मनुष्यों से दूर रहने की शिक्षा भी हमने ही तुम्हें दी थी, वो कैसे भूल गई? तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम अभी तक पूरी तरह सच नहीं कह रही हो। बताओ पूरा सच क्या है, नहीं तो इस परीलोक में सच बुलवाने के और भी कई तरीके हैं और वो तरीके मैं अपनी बेटी पर नहीं आजमाना चाहती। इसीलिए मेरी सहनशीलता आजमाने की कोशिश भी मत करना। सच सच बताओ, कितनी बार उस मनुष्य को जाकर मिली हो? सौम्य परी ने अपनी मां का यह रूप पहली बार देखा था इसलिए वो डर गई और अपनी मां से कहा, मां मैंने तो उसकी अब तक 3 बार रक्षा की लेकिन उसके सामने 1 बार भी नहीं गई। सिर्फ इस बार उसके सामने प्रकट हुई क्योंकि उसने मुझसे दर्शन देने की विनती की थी। दिव्या परी ने कहा, एक ही मनुष्य के प्राण बचाने बार बार जाने का कारण? सौम्य परी ने अपनी नजरें नीचे करके अपनी मां से कहा, मैंने उस मनुष्य को गगन विहार करने के समय देखा था और उसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। सौम्य परी के मुंह से यह निकलते ही दिव्य परी ने उसे एक तमाचा दे मारा। उसके तमाचे की आवाज पूरे परीलोक में गूंज उठी। दिव्य परी ने डंका बजाकर तुरंत ही सभा बुलाई और उस सभा में अपनी बेटी को बीचों बीच खड़ा करके सिंहासन पर बैठकर अपना निर्णय सुनाया। परीलोक के नियम सभी के लिए समान है, चाहे फिर वो आम प्रजा हो, खुद मैं हूं या फिर मेरी बेटी ही क्यों ना हो। उन नियमों को भंग करने वाले को सजा जरूर मिलती है, पर आज के अपराधी मेरी बेटी है। इसने परीलोक की एक नहीं बल्कि 3-3 नियमों को भंग किया है। उसने एक से अधिक बार किसी एक मनुष्य की जान बचाई और हमसे ना ही यह करने की आज्ञा ली गई थी और ना ही बताना उचित समझा गया। दूसरी भूल, इसने मनुष्य के सामने खुद को प्रकट करके परीलोक की एक अहम नियम का उल्लंघन किया है। तीसरा और सबसे बड़ा अपराध यह है कि यह किसी मनुष्य से प्रेम कर बैठी। यह सुनकर परीलोक में सभी परियां हैरान होकर आपस में फुसफुसाने लगी। कमुत कारिणी यह सब देखकर आनंद ले रही थी। दिव्या परी ने कहा, और इसने जिस व्यक्ति से प्रेम किया उसके प्राणों की रक्षा की वही मनुष्य हमारी खास दोस्त कमुत कारिणी देवी की दोनों पुत्रियों का हत्यारा निकला। यह सुनकर सौम्या परी हैरान हो गई और उसने अपनी मां से कहा, नहीं नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर कोई गलत फहमी है। और यदि यह सच कह रही है तो फिर जरूर आपकी दोस्त की दोनों पुत्रियों ने ही ऐसा किया होगा।
जिससे सिद्धार्थ को यह करना पड़ा होगा। ये सुनकर कमोत्कारिणी को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने जाए उससे पहले दिव्य परी ने कहा, हमने तुम्हें यहां पर न्यायाधीश नहीं बनाया कि तुम यहां पर आकर फैसला करने लगी कि कौन सही और कौन गलत है। तुम इस वक्त सिर्फ एक अपराधी हो, अपराधी, और तुम्हें तुम्हारी अपराधों का दंड देने के लिए यहां पर बुलाया गया है। और तुम्हारा दंड यह है कि तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियों को छीन लिया जाएगा, तुम्हें परिलोक से निष्कासित किया जाएगा और चिरंजीव होने की योग्यता भी तुमसे छीन ली जाएगी, और तुम भी अब मनुष्य के भांति मृत्यु लोक में एक दिन मृत्यु पाओगी, और मेरा यह फैसला इसी वक्त कार्यान्वित होगा। यह कहकर दिव्य परी की आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर वहां से चली गई। सौम्या परी को इतनी बड़ी सजा सुनाई गई उसके कारण परिलोक में शोक का वातावरण छा गया। कुछ परियों ने नम आंखों से रानी के आदेश का पालन किया। सौम्य परी के पर काटे गए। परी की सारी शक्तियां उसके माथे पर रहे चूड़ामणि में केंद्रित होती है। इसी कारण सौम्य परी से उसका चूड़ामणि भी निकाल लिया गया और उसे तुरंत ही परिलोक के बाहर भेजकर परिलोक का दरवाजा बंद कर दिया गया। सौम्या परिलोक के बाहर जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। इस तरफ वीरानगढ़ में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा हवेली जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों करीबन 11 बजे हवेली जाने के लिए निकल पड़े। तीनों ने पहले से ही फैसला कर लिया था कि उस दिन वो तीनों हवेली जाकर सिर्फ सिद्धार्थ की मां को उस जादुई आईने में देखकर लौट आएंगे। दूसरा कोई नया दरवाजा खोलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि कई दिनों के बाद वीरानगढ़ में शांति के कुछ पल आए थे और वो उन शांति के पलों को उजाड़ना नहीं चाहते थे। तीनों हवेली जाने के लिए बस्ती से होकर गुजर रहे थे कि पीछे से सुजान दौड़ता हुआ आया और बूढ़े बाबा के साथ चलने के लिए जिद करने लगा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने उसे साथ चलने की अनुमति दी और चारों हवेली जाने के लिए आगे बढ़े। चलते चलते गौरी ने कहा, पता नहीं इस बार हवेली किस तरह हमारा स्वागत करेगी। जब भी हवेली जाने का नाम आता है पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। जब भी हवेली में कदम रखा है कुछ ना कुछ हादसा हुए बिना रहा नहीं है। देखते हैं इस बार क्या रंग दिखाने वाली है ये हवेली हमें। सिद्धार्थ ने कहा, तुम फिक्र मत करो गौरी, आज हम कोई दरवाजा नहीं खोलने वाले, आज हम जाकर सिर्फ मां को देखेंगे और लौट आएंगे। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी की बातों को नजरअंदाज मत करो सिद्धार्थ, ऐसा भी हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि हम दरवाजा खुलने नहीं गए थे लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। सिद्धार्थ ने कहा, पता नहीं आज दिल कह रहा है कि आज कुछ नहीं होगा। गौरी ने कहा, सुबह तो बड़ा तूफान की पहले की शांति जैसा कुछ बोल रहे थे और अब अचानक कुछ नहीं होगा, ऐसा कह रहे हो? इतना बड़ा परिवर्तन, जो भी हो भगवान करे इस वक्त तुम्हारा जो मन कह रहा है वही हो। चारों आपस में बातें करते करते हवेली पहुंच गए। हवेली की तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी कि उसकी मां कैसी होगी। कई दिन बीत गए थे कि उसने अपने मां को नहीं देखा था। चारों ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा हर बार की तरह इस बार भी वहां कोई न कोई अनहोनी की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ भी अनहोनी जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। वो चारों हवेली के भीतर उस कमरे में गए जहां पर दीवार पर जादुई आईना लगा हुआ था। वहां पर जाते ही सिद्धार्थ ने उस आईने के ऊपर रही छोटी सी खिड़की खोली और उसे उसकी मां दिखाई देने लगी। उसके मां के शरीर और हाथों के अलावा कहीं पर बेड़ियां नहीं थी। उसकी मां के चेहरे पर पिछली बार की तरह पीड़ा भी कम दिखाई दे रही थी। वो एक जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी। अपनी मां को देखकर सिद्धार्थ बहुत ही भावुक हो गया। उसकी आंखों में पानी आ गया और वो रोने लगा। गौरी ने सिद्धार्थ के पीठ पर हाथ फिराया। बूढ़े बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सिद्धार्थ रोते हुए अपनी मां से कहने लगा, तुझे इतनी बीड़ियों से मुक्त कर दिया, अब बाकी के बंधनों से भी मुक्त करके जल तुझे शैतान के चुंगल से मुक्त करवा लूंगा। मां तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। उसकी मां को सिद्धार्थ का कहा हुआ कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला था।
ये सिद्धार्थ जानता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मां से बातें करके खुद को दिलासा दे रहा था। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछे और कहा, चलो अब चलते हैं यहां से। ये कहकर उसने उस आईने के ऊपर रही होगी खिड़की बंद कर दी और चारों फिर से हवेली के बाहर जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। उस तरफ सौम्यपरी के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुनकर कमुत्कारिणी को यह भी पता चल गया था कि उसकी बेटियों के मौत में जिस मनुष्य का हाथ था उसका नाम सिद्धार्थ था। बस उसे अब इतना जानना था कि वो सिद्धार्थ नामक मनुष्य रहता कहां था। दूसरी तरफ सारी शक्तियों से वंचित करके परीलोक से निष्कासित किए जाने पर सौम्यपरी बहुत ही हताश हो चुकी थी। वो आसमान में बादलों के बीच बसे हुए परीलोक से उतरकर पृथ्वी पर आ पहुंची थी। वो अब परी भी नहीं रही थी, एक साधारण मनुष्य बन चुकी थी। वो अब नंगे पैर जमीन पर चलने को मजबूर हो गई थी क्योंकि उसके पंख काट दिए गए थे। उसे मनुष्यों की भांति अब भूख लगने लगी थी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा था। उसके कपड़े अब परीलोक के कपड़ों के जैसे चमक नहीं रहे थे। उसके कपड़े उसके चेहरे के समान पहले वाला तेज खो चुका था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके सर के ऊपर छत नहीं था और ना ही उसके पास अपना कहने वाला कोई था। ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ एक जन की याद आई, सिद्धार्थ। उसे पता था कि सिद्धार्थ कहां रहता था। वो चलते हुए वीरानगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगी। इस तरफ सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और सुजान चारों हवेली से बाहर निकलकर वीरानगढ़ की बस्ती की तरफ से आगे बढ़ने लगे। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, देखो मैंने कहा था ना कि आज कुछ भी नहीं होगा, सब शांति से निपट गया ना। गौरी मुस्कुराई और तब बूढ़े बाबा ने कहा, ताज्जुब है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम हवेली के भीतर जाकर बाहर निकलें और किसी भी शैतानी साय ने हमें परेशान करने या हमें मारने की कोशिश नहीं की। पता नहीं आज इतनी शांति कैसे फैली हुई है कि हवेली के अंदर भी उसका असर दिखाई दे रहा था। क्या ये किसी तूफान के पहले की शांति तो नहीं है? ये सुनकर गौरी बोल पड़ी, बाबा आप भी, सिद्धार्थ ने सुबह ये बात कही थी, आप भी वही कह रहे हो, आज सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई तो सकारात्मक बात करो। सुजान ने कहा, मैं गौरी से सहमत हूं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो हमें अगला दरवाजा खोलना ही पड़ेगा ना, और दरवाजा खोलने पर फिर से परेशानियां तो आने ही वाली है। हम तब की बात तब देख लेंगे, लेकिन आज जब सब कुछ ठीक है, शांत है, तो उसे भी नकारात्मक बात करके क्यों खराब करना। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है हम कोई नकारात्मक बात नहीं करेंगे, लेकिन सुजान ने ठीक कहा, हमें अगला दरवाजा खोलने के बारे में विचार करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द दूसरा दरवाजा कब खोलना है इसका निर्णय भी आज शाम को बैठकर ले लेंगे। सब सिद्धार्थ की बात से सहमत थे। सब लोग वहां से मोतीबाई को मिलने उनके घर की तरफ जाने लगे। वो कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से किसी लड़की ने उन्हें पुकारा, सिद्धार्थ। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़की पीछे से उन्हें पुकार रही थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सिद्धार्थ को पुकारते ही वो गिर गई और बेहोश हो गई। चारों घबरा कर उस लड़की की तरफ दौड़े और लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगे। गौरी ने उसे देखते ही कहा, ये इस गांव की तो नहीं लगती, इसे कहीं पर तो जरूर देखा हुआ है, लेकिन कहां देखा है ये याद नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ने भी कहा, इसका चेहरा तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन इसे देखा कहां पर है ये याद नहीं आ रहा। दरअसल तेजहीन होने के कारण कोई भी सौम्य परी को पहचान नहीं रहा था। सिद्धार्थ ने उसे उठाया और तुरंत ही वैद्यशाला की तरफ सौम्य परी को लेकर गया। वहां पर वैद्य जी ने उसे जांच कर उसका इलाज करना शुरू किया। कुछ ही देर में वैद्य जी ने उससे कहा, यह लड़की भूख से बेहोश हुई है और कुछ नहीं, यह लड़की कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। चारों एक दूसरे के सामने देखने लगे। सौम्य परी तेज हीन हो गई थी, लेकिन फिर भी किसी भी साधारण स्त्री की तुलना में वो बहुत ही अधिक खूबसूरत थी। सिद्धार्थ बार बार उसके चेहरे की तरफ देख उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। उस तरफ कमुत्कारिणी चुपचाप
आसमान में सौम्य परी पर अपनी नजर रखे हुए थी। उसे पता था कि सौम्य परी स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सिद्धार्थ के पास ही जरूर जाएगी और यही मौका था अपनी बेटियों की मौत की जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ निकालने के लिए। और वैसा ही हुआ। सौम्य परी सिद्धार्थ के पास आई और कमुत्कारिणी ने सिद्धार्थ को देख लिया। सिद्धार्थ को देखकर ही कमुत्कारिणी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने कहा, इस सिद्धार्थ नामक मनुष्य को मेरी बेटियों की मौत की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी और वो भी अपने जान से। अपनी बेटियों का बदला लेने के लिए कमुत्कारिणी अब कौन सा कदम लेगी? सौम्य परी का वीरान गड़ाना सिद्धार्थ और गौरी के जीवन में अब क्या नया रंग लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।